सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 31 मार्च थर्सडे के लिए पांच बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स देखने वाले हैं। वीडियो में जहां पे भी मैं आपको एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के लेवल बताने वाला हूं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन से आप एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। साथ में हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको ओवरऑल मार्केट का एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात करें तो अगर आप निफ्टी 50 में देखें तो आज फर्स्ट हाफ में हम लोग को बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेंज थी अराउंड 17,400 की, जिसका अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हो गया है और क्लोजिंग भी एग्जैक्ट 17,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। अगर आप देखें तो इसको बहुत बार रिस्पेक्ट किया है, स्टिल अगर आप देखें तो ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अगर इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करता है कल, तो कल हम लोग को अपसाइड में बढ़िया मूवमेंट निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। तो आप मान के चलिए कि 17,500 के लेवल को स्टार्टिंग 15 मिनट में ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है तो हम लोग को बहुत आसानी तरीके से 17,600 से 17,650 के लेवल टच होते हुए दिख जाएंगे। मतलब ओवरऑल जो सेंटिमेंट हम लोग कल मान के चलने वाले हैं निफ्टी में, अगर ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड का, बट स्टिल अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिखाता है साथ में इस रेजिस्टेंस को अराउंड 17,500 के अराउंड, और वहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है तो आपको बहुत आसानी तरीके से 17,250 एंड 17,200 के लेवल टच होते हुए दिख जाएंगे। अब अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या हुआ क्या कि एक बढ़िया अपसाइड की रैली देखने को मिली, छोटा सा पुलबैक हुआ, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले चार दिनों से, लेकिन आज परफेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट नहीं है, बट स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं क्लोजिंग अगर ऊपर होती है एक ब्रेकआउट के तो हम लोग ब्रेकआउट ही मान के चलते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे आपको उससे भी ज़्यादा परफेक्ट, मतलब निफ्टी 50 से भी ज़्यादा परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। ट्रेंड लाइन है, साथ में एक रेजिस्टेंस है, तो अगर ट्रेंड लाइन के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है अबाउट 36,500 के लेवल को तो आपको बहुत आसानी तरीके से 36,700 के लेवल टच होते हुए दिख जाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर इस ट्रेंड लाइन के साथ इस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट दिखाएगा और अगर आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलती है बिलो 36,250 तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत आसानी से 36,100 एंड 36,000 के लेवल टच होते हुए दिख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग का पहला स्टॉक रहेगा रैमको सीमेंट। अगर आप देखें तो उसमें एक बढ़िया डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अगर आप आज की कैंडल देखें तो परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल दिखाता है। तो अगर कल इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है ब्रेकआउट पे तो हम लोग बाइंग करेंगे। 777 के ऊपर टारगेट्स होंगे हमारे 782 एंड 784, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 773 का एक स्विंग लो। वहीं पे अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे एक आपको परफेक्ट डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अगर इस डबल टॉप का रिस्पेक्ट दिखाएगा और अगर आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलती है तो हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे बिलो 770, टारगेट्स होंगे हमारे 765 एंड 763, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 774 का एक स्विंग हाई। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फ्रेंड्स हम लोग का HDFC लाइफ। बढ़िया डाउन साइड की रैली लगातार दिखा रहा था, बट अगर आप देखें तो इस रेंज का परफेक्ट तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग भी एग्जैक्ट हाई के पास है और परफेक्ट बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। सो HDFC लाइफ में हम लोग केवल बाइंग करके चलने वाले हैं 544 के ऊपर, टारगेट्स होंगे हमारे 547 एंड 549, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 541 का एक स्विंग लो। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फ्रेंड्स हम लोग का VDL। तो अगर आप देखें तो वेदांता में एक बढ़िया अपसाइड की रैली देखने को मिली, उसके बाद क्या किया ना एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और आज अगर आप देखें तो परफेक्ट रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, परफेक्ट बेयरिश कैंडल है, क्लोजिंग भी एग्जैक्ट लो के पास है। सो हम लोग केवल शॉर्ट सेल करेंगे बिलो 396, टारगेट्स होंगे हमारे 393 एंड 391, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 398 का एक स्विंग हाई। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें चार्ट पे ना तो मेटल सेक्टर्स में बहुत बढ़िया डाउनसाइड की रैली देखने को मिली है, इसीलिए मैंने मेटल सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। एंड नेक्स्ट स्टॉक भी हम लोग का मेटल सेक्टर से है, जिंदाल स्टील। अगर आप देखें तो बढ़िया एक अपसाइड की रैली देखने को मिली थी, देखिए लगातार अपसाइड की रैली बना रहा था, उसके बाद एक रेंज में मूवमेंट किया है, और अगर आप आज की कैंडल देखें तो परफेक्ट बेयरिश कैंडल है। सो देखिए जिंदाल स्टील में हम लोग केवल शॉर्ट सेल का पोजीशन लेने वाले हैं, बिकॉज मुझे लगता है मेटल सेक्टर एक से दो दिन गिरने वाला है। सो हम लोग सेल करेंगे 515 के नीचे, टारगेट्स होंगे हमारे 512 एंड 510, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 518 का एक स्विंग हाई। अब हम लोग का फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक रहेगा HCL टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखें तो यहाँ पे परफेक्ट
मतलब पिक्चर परफेक्ट सपोर्ट का फॉर्मेशन है, हम लोग यहाँ से केवल अपसाइड का पुल बैक ही मान के चलने वाले हैं। सो SCL टेक में हम लोग बाइंग करेंगे 1165 के ऊपर, टारगेट्स होंगे हमारे 1171 एंड 1173, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 1160 का एक स्विंग लो। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन कराइए। और अगर आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जानना चाहते हैं, मतलब जो भी हम लोग यूट्यूब पे कॉल देते हैं, साथ में लर्निंग के लिए कुछ और भी हम लोग चार्ट प्रोवाइड करते हैं एंड साथ में ऑब्वियसली अर्निंग के लिए, तो आप डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करा के फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं जो हम लोगों ने आज ट्रेड करने के लिए सेलेक्ट किए थे। सो फ्रेंड्स हम लोग का पहला स्टॉक था MFSL। अगर आप देखें तो देखिए शेयर गैप अप होता है, उसके बाद स्विंग हाई बना, उसके बाद पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड किया, तो इसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सेकेंड स्टॉक था फ्रेंड्स हम लोग का अंबुजा सीमेंट। तो हम लोग को बाइंग करनी थी 304 के ऊपर, तो अगर आप देखें तो हम लोग का ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है और हम लोग का एक नॉर्मल स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक था फ्रेंड्स हम लोग का ICICI प्रूडेंशियल्स। तो अगर आप देखें तो स्विंग हाई मार्क करने के बाद एंड स्विंग लो मार्क करने के बाद आपका इधर कहीं ट्रेड बना है, तो यहाँ पे भी हम लोग मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक था हम लोग का फ्रेंड्स ICICI प्रूडेंशियल्स। तो अगर आप देखें तो एक ह्यूज बॉडी कैंडल बनी स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही, एक और दो, उसके बाद पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड किया है, तो उसमें हमारा ट्रेड नहीं बना है। लास्ट स्टॉक था फ्रेंड्स हम लोग का टेकिम। तो हमें केवल इसमें शॉर्ट सेल करना था, बिलो 1518 एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो अगर आप गैप अप एंड गैप डाउन में स्विंग हाई स्विंग लो का वेट करते हो, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा, तो उसमें फ्रेंड्स हम लोग का क्या होना, स्टार्टिंग के पहली कैंडल में पूरा टारगेट हो गया। स्टिल अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ठीक है, बट गैप अप होने के बाद वी हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर स्विंग हाई एंड स्विंग लो, तो उसमें भी हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं नहीं बना है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी कमेंट है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया स्टॉक के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।